इंडियन ट्रेन के जनरल कोच की रेपुटेशन के बारे में बात किया जाए तो कुछ हाल ठीक नहीं है। अगर पैसेंजर ट्रेन को देखा जाए तो उसका भी हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उसी के एक दूसरे साइड देखा जाए तो कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो कि एकदम लग्जरियस फील कराती हैं। भारत की सबसे महंगी ट्रेन जिसका नाम है द महाराजा एक्सप्रेस, इस ट्रेन की इंटीरियर डिज़ाइन जो की गई है एकदम राजा महाराजाओं जैसी की गई है। इसकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर राजा महाराजाओं की फीलिंग यहाँ पर आती है। और देखा जाए तो इस ट्रेन के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से सुविधाएं मिलती हैं और इसकी जो देख रेख करता है वो IRCT करता है। इसके अंदर एयर कंडीशनर रूम मिलता है जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है, टॉयलेट की भी सुविधा रहती है और यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइन इसका ज़बरदस्त तरीके होता है। अलग अलग तरीके के सेफ होते हैं जो कि खाना परोसते हैं, टेलीफोन की सुविधा होती है, यहाँ पर टेलीविज़न की सुविधा होती है, क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है। अगर लोकल ट्रेनों को देखा जाए तो उससे यहाँ पर कहीं हटकर ही मामला है, क्योंकि इसमें जो लग्जरियस फीलिंग आती है वो सच में एकदम राजा महाराजाओं जैसी आती है। इस ट्रेन का जो टूर पैकेज दिया जाता है वो डॉलर में दिखाया जाता है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर आते हैं इस ट्रेन का आनंद लेने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं कि राजा महाराजा कैसे रहते थे, कैसे खाना खाते थे, कैसे वो सोते थे। तो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे गर्व की बात है कि भारत ने कुछ ऐसी ट्रेनें बनाई हैं जो कि विदेशियों को यह दिखा सके कि राजा महाराजा हमारे देश में कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। तो वो सारी चीज़ें हमारे भारत में इस ट्रेन में लग्जरियस फील कराती है फॉरनर को। आमतौर पर देखा जाए तो इसका जो ट्रेवल पैकेज होता है वो 70,000 से 80,000 से लगभग यह 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक यह जाता है। हालाँकि इसमें अलग अलग तरीके के टूर पैकेज दिए जाते हैं जिसमें 6-7 दिन गुजारना होता है और आम आदमी के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस ट्रेन में ट्रेवल के अलग अलग पैकेजेस दिए गए हैं जिसमें कि आपको गंगा के किनारे राजस्थान से होते हुए ये बहुत सारे पैकेजेस आपको देते हैं, आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस ट्रेन का जो महाराजा एक्सप्रेस नाम पड़ा है, हालांकि इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये महाराजा की फीलिंग देता है और इसके अंदर जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो पूरी तरीके से राजा महाराजा की तरह दिखाता है और फील भी कराता है, इसी वजह से इसका नाम द महाराजा एक्सप्रेस पड़ा। अगर आप इस ट्रेन में ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके पास 5 लाख रुपये तक का अरेंजमेंट होना चाहिए, तभी आप इस ट्रेन में ट्रेवल कर पाएंगे। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।